प्लानेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को संजय यादव का प्रणाम। आप सबको आने वाला होली बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को होली के। फिल्म का शूटिंग नसीब का चल रहा है, क्लाइमैक्स का चल रहा है, और नसीब एक भोजपुरी की एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म बन रही है और पब्लिक इसे पसंद करेगी। और हमारे जो फिल्म का हीरो गुंजन पहली बार पर्दे पर अपना नसीब नसीब के साथ लेके आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर गुंजन जी का नसीब बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर नसीब सबको पसंद आएगी। हमारा किरदार इस बार बड़ा पॉजिटिव है, और एक गरीब घर का लड़का हूँ, और मेरा भाई है, छोटा भाई है गुंजन, और अपने भाई के भाई को सिंगर बनाने के लिए बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हम लोग को। भाई स्टार भी बनता है फिल्म में, और मुझे लगता है कि पब्लिक को गुंजन पसंद है। अब गुंजन जी के बहुत काफ़ी सारे गाने हिट भी हुए हैं, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह के बाद, राकेश जी के बाद, ये पांचवा गुंजन जी होंगे जो पब्लिक के दिल पे उतरेंगे। थोड़ा सा कभी अलग रहते हो, लेकिन एक कलाकार के लिए पॉजिटिव और एक परिवार का एक सदस्य जिस रूप में मैं आप नसीब में आऊँगा आपको नज़र, कि नसीब गुंजन का नसीब से जुड़ा हुआ है, हमारा भी नसीब गुंजन के नसीब से जुड़ा हुआ है। तो हम दुआ करेंगे गुंजन जी के लिए और रंजीत जी के लिए और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिराज साहब के लिए, कि सब लोग का नसीब इससे जुड़ा हुआ है, एक अच्छी फिल्म बन रही है। बार बार ये कहा जाता है कि भोजपुरी में सिर्फ अलग लोग तरह के लोग फिल्म बनाते हैं, लेकिन नहीं, भोजपुरी फिल्म अच्छी भी बनती है, और नसीब तो खैर बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है। प्लैनेट भोजपुरी।